मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नया दांव खेला है। कांग्रेस ने चुनाव में टिकट मांगने वालों से 50,000 रुपए पार्टी कोष में जमा कराने को कहा है, जिसके बाद भी उसका टिकट पक्का नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने उस पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा करके अपना काला धन सफेद करने में जुटी है। पार्टी का राहत कोष भरने और टिकट बंटवारे के बाद मचने वाले घमासान को पहले ही रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वालों को आवेदन के साथ 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देने की भी बात कही है, जबकि पार्टी महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों से 25,000 रुपए लेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया कि फैसला प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस कदम से टिकट मांगने वालों में भी गंभीरता बनी रहेगी, साथ ही पार्टी को कोष के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस ने आवेदकों को 5 मार्च से 15 मार्च के बीच आवेदन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि जो उम्मीदवार गरीब होगा लेकिन दमदार होगा तो पार्टी उसे भी टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ऐसा करके अपने काले धन को सफेद करना चाहती है, ऐसा करके कांग्रेस बड़ा खेल खेल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।